नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में आई बैंक का हुआ शुभारम्भ, भागलपुर सहित पूर्वी बिहार के 13 जिले के लोगों को मिलेगा लाभ। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की दी जानकारी, बच्चे के जन्म पर पौधा देने की कही बात। भागलपुर रंग महोत्सव के तीसरे दिन सड़कों पर निकला रंग जुलूस, झांकियों के जरिए स्वच्छता एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। यूनिसेफ की ओर से मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन, इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत 2 दिसंबर से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। और सिटी डीएसपी राजवंत सिंह ने ललमटिया थाने में की समीक्षा बैठक, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर समेत पूर्वी बिहार के लोगों को अब नेत्रदान एवं कोर्निया ट्रांसप्लांट के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यह सुविधा शुरू हो गई है। शनिवार को मायागंज के नेत्र रोग विभाग में आई बैंक का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रामचरित्र मंडल, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कमिश्नर ने कहा कि आई बैंक खुलने से भागलपुर समेत आसपास के जिले के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। वहीं अधीक्षक डॉक्टर रामचरित्र मंडल ने कहा कि नेत्रदान के प्रति जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आई बैंक के साथ ही नई डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया गया है, जिससे मरीजों को डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मौके पर डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा सहित कई वरीय चिकित्सक मौजूद थे। लोगों की अपेक्षा थी कि आई बैंक चला जाए, डायलिसिस यूनिट भी अच्छे से सेटअप हो, तो आज दोनों ये कार्य जो है सुप्रिंटेंडेंट जो है जेल एन एस सी एच मंडल जी और प्रिंसिपल सिन्हा जी दोनों के सहयोग से आज इस्टेब्लिश हो गया है। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज बिहार में हर हॉस्पिटल में ये उपलब्ध नहीं है, मात्र कुछ जगह ही उपलब्ध है, इसीलिए ये उपलब्धि काफ़ी बड़ी है। और आई बैंक जहाँ पर सेटअप हो गया है, डायलिसिस यूनिट सेटअप हो गया है, अब आई बैंक के लिए हम लोग हॉस्पिटल में एक लिस्ट मेंटेन करेंगे डोनर्स और रिसिपिएंट्स की, ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने शनिवार को डीआरडीए सभागार में जिले भर में चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। डीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, आपूर्ति, राजस्व, स्वास्थ्य योजना, उत्पाद निर्वाचन, कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डीएम ने कहा कि अब बच्चियों के जन्म पर माता पिता को एक पौधा दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। डीएम ने ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल जीवन हरियाली पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। वहीं वन विभाग को 5,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने वाले पर कार्रवाई करने की बात कही। जिसके पास जमीन नहीं है उसके बारे में क्लियर है, जमीन हमें सबको उपलब्ध कराना है। 2 स्कीम से जमीन हम उपलब्ध कराते हैं, एक तो अभियान बसेरा है, यदि वो सुयोग्य श्रेणी का है, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी वगैरह कैटेगरी का है, तो उसको अभियान बसेरा के अंतर्गत जमीन दी जानी है। जमीन जो भी है, यदि हमारे पास बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध कराएंगे, यदि किसी व्यक्ति के जमीन पर पहले से निवास कर रहा है तो वास्तु पर्चा उपलब्ध कराएंगे, अदरवाइज ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से यदि ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है तो उसको 60,000 रुपये उपलब्ध कराने का निर्देश संसूचित है, तो वह राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो जमीन वहाँ पर क्रय कर सके। जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके बारे में हम लोगों ने निर्देशित किया है कि उसकी जाँच बेहतर तरीके से ग्राम पंचायत में कर ली जाए, और यदि कोई व्यक्ति 2 साल से भी ज़्यादा समय से बाहर रह रहा है तो उसको स्थायी रूप से पलायन मांगते हुए उन लोगों को रिमांड किया जाए, ताकि उसके जगह पर दूसरे लोगों का चयन किया जा सके।
भागलपुर रंग महोत्सव के तीसरे दिन शनिवार की सुबह रंगग्राम के कलाकारों ने विभिन्न प्रदेशों के लोक नृत्य, गीत संगीत और झांकियों के जरिए स्वच्छता एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश तो दिया ही, साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति पर भी चोट किया। रंग जुलूस डॉक्टर आरपी रोड स्थित डोकनिया धर्मशाला से सुबह 11:30 बजे निकली, जो कोतवाली चौक, एमपी द्विवेदी रोड, स्टेशन चौक, सूजागंज बाजार, वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए पुनः रंगग्राम कला केंद्र पहुंची। रंग जुलूस में बंगाल रविंद्र नगर नाट युद्ध कोलकाता, मणिपुर के कांगली लिविंग आर्ट इम्फाल, इलाहाबाद के प्रबुद्ध फाउंडेशन इलाहाबाद, विश्व रूपम कला मंच बनारस, सत्य नाट्य संस्था भिलाई छत्तीसगढ़, उड़ीसा का यात्री बौद्ध कला जत्था और भागलपुर के स्थानीय कला जत्था के कलाकारों ने शानदार लोक नृत्य, संगीत व सांस्कृतिक विरासत से भरपूर झांकियां प्रस्तुत की। भागलपुर के कलाकारों ने समुद्र मंथन, लोक कथा, बिहुला बिशरी आदि की झांकियां निकाली थी। इलाहाबाद के कला जत्था के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और उड़ीसा के कलाकारों ने राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन का संदेश दिया। ये 8वां साल भागलपुर रंग महोत्सव आयोजित है। 3-4 दिवसीय ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अखिल भारतीय प्रतियोगिता राष्ट्र स्तर का ये हो रहा है। आज 3रा दिन है। आप देख रहे हैं कि भागलपुर जिला के अंदर अब संस्कृति के खिलाफ हम लोगों का एक प्रयास है। आज घर में घूम रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास है हम लोगों का। और शाम के 4 बजे कला केंद्र में नाटक का मंचन है। उसके बाद कल 1 तारीख को सभी राज्य से जितने तरह के भी ये प्रतियोगिता हुआ है उसका पुरस्कार वितरण और रिजल्ट। भागलपुर के कचहरी चौक स्थित होटल में शनिवार को रीजनल लेवल में समीक्षा बैठक सह मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने किया। यूनिसेफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में 87% टीकाकरण हुआ है, जिसमें यूनिसेफ, WHO, UNDP का योगदान काफ़ी अहम है। DIO डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि इंद्रधनुष मिशन के तहत 2 दिसंबर से सघन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 2 वर्ष तक के सभी बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। इस अवसर पर DPM फैजान असरफी, यूनिसेफ की निगार कौसर, अमित कुमार, संदीप सिंह, डॉक्टर राजीव सहित WHO और यूनिसेफ के अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के नाथनगर ललमठिया OP परिसर में शनिवार को सिटी DSP राजफन सिंह ने लंबित कांडों की समीक्षा की। इस दौरान DSP ने लंबित कांडों के निष्पादन, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी समेत कई दिशा निर्देश थानाध्यक्ष को दिए। समीक्षा के बाद DSP ने कहा कि थानों में लंबित मामले, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी समेत 1 वर्ष में दर्ज FIR के वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि समीक्षा के दौरान अपराध एवं कांडों की स्थिति सामान्य है। इसके अलावा DSP ने विशेष चलाकर शराब तस्करों को गिरफ्तार करने का निर्देश थाना अध्यक्ष को दिया। पुलिस उपाधीक्षक को साल में एक बार अपने अधीनस्थ हर थाना का प्रतिष्ठान का निरीक्षण करना होता है, तो ये रूटीन वर्क है। उसी में आज तिथि निर्धारित थी, तो मैं ललमटिया OP का निरीक्षण कर रहा हूँ। चीज़ें सामान्य बढ़िया हैं, कुछ शिष्टता में और मेहनत की जरूरत है, तो मैं देख रहा हूँ, वो निर्देश मैं दे दूँगा ताकि जो छोटी मोटी कमी हो दूर हो जाए, बाकी दुरुस्त। कई केस अभी भी पेंडिंग है इस थाने का मामला? निश्चित रूप से पेंडिंग है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। केसों की संख्या बहुत ज़्यादा पेंडिंग नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है, जिसे कम कर लिया जाएगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिल्क TV। जी हाँ, अब पैक्स के अंतर्गत मिलने वाले सभी किसानों को लाभ मिलेगा। खाद, बीज एवं बैंक द्वारा किसानों को मिलने वाले कृषि लोन भी लेना होगा आसान। किसानों के हर संभव विकास के लिए संकल्पित चंदन कुमार महेशपुर फरीदमपुर पैक्स अध्यक्ष व्यापार मंडल सनहोला, निदेशक दी भागलपुर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भागलपुर। चंदन कुमार को इस बार प्राथमिक साख समिति पैक्स अध्यक्ष के लिए भारी मतों से विजयी बनावे। भ्रष्टाचार मिटाना है, चंदन कुमार को जिताना है। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर।
अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाएं, फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर जिला परिषद के सामान्य वोट की बैठक हंगामेदार रही। जिला परिषद सदस्यों ने शिक्षा, आंगनबाड़ी, मनरेगा, गली नाली योजना में भ्रष्टाचार पर अफसरों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। वहीं शिक्षा विभाग के एक सवाल पर जब जीप सदस्यों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुसूदन पासवान को घेरा तो DEO बैठक का बहिष्कार कर सदन से बाहर निकल गए। जीप सदस्यों ने कहा कि मनरेगा में व्यापक भ्रष्टाचार फैला है। वहीं जीप अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह साकुन ब्लॉक में कितने पंचायत है इसकी जानकारी इंजीनियर से मांगी, जिस पर इंजीनियर ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। जीप अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारी सिर्फ कागजों पर काम करते हैं, उन्हें क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन सानी की। मौके पर नाथनगर विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, DDC सुनील कुमार, DRDA डायरेक्टर प्रमोद कुमार पांडे, सभी जीप सदस्य, मनरेगा कर्मी मौजूद थे। सनहौला के आदर्श कलाधर मध्य विद्यालय अरार में शनिवार को स्कूली बच्चों को खेत में फसल कटने के बाद उसके अवशेष को नहीं जलाने और परिवार एवं आम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए शपथ दिलाया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सरकार ने अब बच्चों के जरिए उनके अभिभावकों को जागरूक करने का निर्णय लिया है। स्कूली बच्चे अब अपने परिजनों को खेतों में पराली नहीं जलाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस दौरान बच्चों को खेतों में पराली जलाने से उत्पन्न होने वाले समस्याओं के बारे में बताया गया। मौके पर शिक्षक मुनव्वर आलम, मोहम्मद नजामुद्दीन, पवन कुमार, बालकृष्ण दास, रेखा कुमारी सहित शिक्षक एवं शिक्षिका मौजूद थी। भारतीय शिक्षा समिति बिहार के तत्वाधान में आनंदराम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर में शनिवार को 2 दिवसीय बालिका व्यक्तित्व विकास शिविर का उद्घाटन मेयर सीमा शाह, डॉक्टर रोमा यादव, संगीता तिवारी, कांति पाठक, भारतीय शिक्षा समिति बिहार के प्रांतीय प्रमुख श्रीमती सरिता, विभाग प्रमुख बजरंगी प्रसाद एवं प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। शिविर को संबोधित करते हुए डॉक्टर रोमा यादव ने कहा कि मन, मस्तिष्क एवं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय पर संतुलित भोजन आवश्यक है। उन्होंने बच्चों को फास्ट फूड से बचने की बात कही। विभाग प्रमुख बजरंगी प्रसाद ने कहा कि बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से व्याख्यान, हस्तकला, नृत्य कला, शौर्य प्रदर्शन कार्यक्रम शिविर में शामिल किया गया है। 2 दिवसीय शिविर में भागलपुर एवं बांका की 500 बहनों ने भाग लिया। इस मौके पर सविता कुमारी, मंजू वर्मा, अशोक कुमार, वीरेंद्र कुमार, उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे, आचार्य भीष्म मोहन झा सहित विद्यालय की शिक्षिका मौजूद थी। इस कार्यक्रम के पीछे का जो उद्देश्य है कि हम विद्या भारती जो बालिका शिक्षा में काम करना चाहते हैं उसमें अपने जो बहने हैं हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ें, उनका सर्वांगीण विकास हो, इस दृष्टि से यह बालिका विकास शिविर का आयोजन किया गया है। और बालिका शिक्षा में जो अपनी बहने हैं हर क्षेत्र में वो आगे जाएं, उनका सर्वांगीण विकास हो, उनका व्यक्तित्व का विकास हो, इस दृष्टि से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इंटेक भागलपुर के द्वारा महात्मा गांधी की 150वें जयंती के अवसर पर नाथनगर स्थित सेंट पॉल स्कूल में राष्ट्रीय स्तर पर निबंध लेखन सह चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज नई दिल्ली के निर्देश पर किया गया है। प्रतियोगिता में गांधी के व्यक्तित्व को दर्शाते हुए भारतीय सभ्यता में सहभागिता, संस्कृति में सहभागिता एवं भागलपुर क्षेत्र से जुड़े विरासत पर चित्र बनाया गया। प्रतियोगिता में माउंट असिसी, DAV, सेंट
पॉल, डीपीएस, हैप्पी वैली, एसएमएस मिशन एवं सीएमएस स्कूल के वर्ग 7 से 9 कक्षा तक के 122 छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी दिल्ली के शैक्षणिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम से हुआ। मुख्य वक्ता विभू कुमार राय ने कहा कि गांधी जी आज भी हमारे धरोहर के प्रेरणा स्रोत है। मंच का संचालन मिस समरीन ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर वैजल क्वाड्रेस ने किया। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटैक नई दिल्ली, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने गांधी एट 150 नेशनल एशियन कंट्री कमीशन बनाया और ये एशियन कंट्री कमीशन भागलपुर चैप्टर के द्वारा आज यहाँ चंपौर स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें कि 7 स्कूल के लगभग 125 बच्चे दोनों कम्पिटिशन में भाग लिया और ये ऑल इंडिया बेसिस पर किया जा रहा है। ऐसे में भी गांधी जी से जुड़े ऐसी चीज़ें जो उन्होंने देश के लिए किया, रियासत से मौके था उस पर ऐसे लिखना है और पेंटिंग में भी भागलपुर से जुड़ी हुई गांधी की जब कोई विरासत है तो उसके ऊपर हमको पेंटिंग का कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। शहर में इधर उधर कूड़े कचरे फेंके जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शनिवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार जगदीशपुर के कनकैथी गांव स्थित डंपिंग ग्राउंड पहुंचे। डीएम ने डंपिंग ग्राउंड का निरीक्षण कर नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि डंपिंग ग्राउंड तक जाने वाले रास्तों का पक्कीकरण कराने, ग्राउंड के आसपास चूना ब्लीचिंग का छिड़काव कराने एवं साफ सफाई का निर्देश निगम कर्मियों को दिया। वहीं ग्रामीणों ने डीएम को डंपिंग ग्राउंड में फेंके गए कूड़े कचरे से उठने वाले दुर्गंध के बारे में बताया, जिसके बाद डीएम ने साफ सफाई कराने की बात कही। साथ ही डीएम ने डंपिंग ग्राउंड से जुड़े कागजातों की जांच की। कहलगांव के पिरपैथी स्थित गेस्ट हाउस में शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रंजीत साह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए पिरपैथी विधायक रामविलास यादव ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार घोषणाओं की सरकार है। उन्होंने कहा युवाओं को रोजगार देने में केंद्र एवं राज्य सरकार असक्षम साबित हुई है। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है। वहीं डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु ने सृजन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। बैठक में जनार्दन आजाद, इंद्रदेव यादव, कैलाश यादव, रमेश रमन, नरेश यादव, सूफी आलम सहित कई राजद नेता मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रूपए प्रति कट्ठा। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में आई बैंक का हुआ शुभारंभ। भागलपुर सहित पूर्वी बिहार के 13 जिले के लोगों को मिलेगा लाभ। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की दी जानकारी। बच्चे के जन्म पर पौधा देने की कही बात। भागलपुर रंग महोत्सव के तीसरे दिन सड़कों पर निकला रंग जुलूस, झांकियों के जरिए स्वच्छता एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। यूनिसेफ की ओर से मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन। इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत 2 दिसंबर से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। और सिटी डीएसपी राजवंत सिंह ने ललमटिया थाने में की समीक्षा बैठक। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।